सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। इंट्राडे गाइड पे मैं हूं आपका दोस्त शिवान बसी। तो गाइज आज हम बात करेंगे कि निफ्टी का ट्रेंड क्या दिखा रहा है, क्या शो कर रहा है। मैंने आपको एक पिछली वीडियोस में भी अपने बताया था कि निफ्टी 10,000 तक जा सकता है या ये लेवल्स तक जा सकता है, पर कब जा सकता है वो अब हम इस टाइम डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमें मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना है। हमें हमेशा बदलना पड़ेगा जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगी। हम बात करते हैं, हमें मार्केट का ट्रेंड दिखा रहा था कि निफ्टी 10,000 का लेवल वापस टेस्ट कर सकती है, और वो टेस्ट जरूर करेगी, पर कब करेगी वो मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और कल इंट्राडे में या अभी मार्केट किस तरफ से रिवर्स करेगी, क्या उसका एक्चुअली टॉप बनेगा जहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी, तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको निफ्टी के अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि आप जब इंट्राडे के अंदर वर्क करें तो आपको पता हो कि ये लेवल है, इस लेवल से मुझे अपनी शॉर्ट बिल्ड करनी है, इस लेवल से मुझे अपनी बाय बिल्ड करनी है। तो गाइज आज इस वीडियो में आपको निफ्टी के बारे में मैं इस चार्ट्स के बेसिस में, ट्रेंड लाइंस के बेसिस में, फिबोनाची के बेसिस में बहुत इजीली तरीके से समझाऊंगा कि क्या लेवल बनते हुए आ रहा था, किस लेवल से हमने आज अपनी बाय पोजीशन बनाई थी निफ्टी के अंदर। तो वो भी आपको मैं इस टेक्निकल या ट्रेंड लाइन के बेसिस में समझाऊंगा। अगर आप ये ट्रेंड लाइन के बेसिस में ध्यान से देखेंगे, इस वीडियो को आराम से देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये ट्रेंड लाइन के बेसिस से आज इसमें ब्रेकआउट था और हमने इसे बाय करा था। 50 पॉइंट या 100 पॉइंट जितने पॉइंट के लिए आप बाय कर सकते थे उसके लिए हमने बाय करा था। तो गाइस आज मैं आपको ट्रेंड लाइन के बेसिस में इसमें समझाने जा रहा हूँ, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा। तो गाइस ये मैंने चार्ट ओपन करके रखा हुआ है निफ्टी का, जो कि 10,947 पे क्लोज हुआ है, और ये चार्ट है। तो मैं आपको इसमें पहले ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ। हम जितनी ज्यादा ट्रेंड लाइन बनाएंगे पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, हमें उतनी क्लैरिफिकेशन मिलती रहेगी कि क्या उसका सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस, क्या वो कहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है। तो आप कोशिश यही करा करिए, जितनी ट्रेंड लाइन आप बना सकते हैं उतनी ट्रेंड लाइन आप बनाया करिए। अब मैं आपको सबसे पहले लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन बना के दिखा रहा हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे। मैं आपको यहाँ से शो करता हूँ, ये हमारी पहली ट्रेंड लाइन होगी। ये है हमारी पहली ट्रेंड लाइन। अब हम इसी से एक दूसरी ट्रेंड लाइन भी बनाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक दूसरी ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दी है। अब आपको मैं एक चीज ध्यान से दिखाना चाहूंगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी जिसने इस बॉटम को टेस्ट करा, इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ इसने सपोर्ट लिया, ये एक इसका देख सकते हैं रेजिस्टेंस बन के आया था, यहाँ से एक इसने फॉल दिखाई थी। तो आप ये देख सकते हैं, आपको जब ट्रेंड लाइन बनानी हो तो मैक्सिमम आपको दो पॉइंट्स तो टच करने चाहिए, जो आपके दो हैं उसको तो टच करना चाहिए। आपने एक इसको टच कर दिया, एक इसको टच कर दिया, एक इसको टच कर दिया, एक इसको टच कर दिया। आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए एक स्ट्रांग ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रही है। अब ये आप देख सकते हैं, मैं आपके लिए एक और ट्रेंड लाइन बनाने जा रहा हूँ जो हमारी बनेगी टॉप से। ये मैंने टॉप से ट्रेंड लाइन बना दी है। आप देख सकते हैं इसने एक इसको टेस्ट करा, एक इसको टेस्ट करा और एक यहाँ पर टेस्ट करा, तीन बन गई है। तो हमारे लिए ये अच्छी ट्रेंड लाइन होती है। अब आपको मैं इस तीन ट्रेंड लाइन से ही बता देता हूँ कि हमें ब्रेकआउट कहाँ से मिला था। मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, आप समझ जाएंगे कि हमें यहाँ से ब्रेकआउट कब मिल रहा था और कैसे मिला था। ये हमने एक जो हमारा प्रीवियस बॉटम था उसको हमने करा और हमने एक यहाँ पर ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया, दो बॉटम को टेस्ट कर हमने एक ट्रेंड लाइन बॉटम कर दिया। अब हमें इसको ऑब्जर्व करना है। अब आप देख सकते हैं ये एक लेवल है जिस लेवल से हम अपनी बाइंग पोजीशन बनानी थी, जो क्रॉस ओवर हुआ था। अब आपको ज्यादातर लगता होगा नहीं क्रॉस ओवर हुआ है तो हम क्यों बाइंग पोजीशन बनाएंगे। दूसरा रीजन है, आपको यहां से बाय पोजीशन नहीं बनानी है तो आप अपनी बाय पोजीशन बना सकते हैं। जो आपका ये प्रीवियस टॉप था, प्रीवियस टॉप को अगर ये तोड़ता तो आप अपनी बाय पोजीशन बना लेते। आपने ये प्रीवियस टॉप जो था वो था 10,900 का, आप देख सकते हैं 10,900 का ये टॉप था। इस टॉप को इसने ब्रेकआउट करा आज इंट्राडे के अंदर, और यहाँ से हमने अपनी बाय पोजीशन रिकमेंड कर दी थी अपने क्लाइंट्स को। तो यहाँ पर इन लोगों ने अपनी बाय पोजीशन बनाई थी, जो हमारा टारगेट था वो हमारा टारगेट निकल के आ रहा था। आप देख सकते हैं जो इसका क्रॉस ओवर था, ये क्रॉस ओवर आप देख सकते हैं, इसका जो क्रॉस ओवर आ रहा था 11,000 का इसका क्रॉस ओवर आ रहा था, सॉरी
11,000 समथिंग का इसका क्रॉसओवर आ रहा था, तो वहां तक के हमने इसमें टारगेट्स दिए थे, पर हमने इंट्राडे में ही उन लोगों को 9,950 के 10,950 पे एग्जिट करवा दिया था, क्योंकि वहां पर अब मोमेंटम ज्यादा लग नहीं रही थी जाता है। तो गाइस इस तरीके से इसने जो आज ब्रेकआउट दिया है अपना इस ट्रेंड लाइन को हेविली अच्छे तरीके से जो इसने ब्रेकआउट दिया है, अपने प्रीवियस टॉप को तोड़ा है, और ये जो इसका प्रीवियस हैमर बना था जिस तरीके से इसने रिवर्स दिखाया था, ये एक रिवर्सल साइन था, एक हैमर था जिसकी वजह से जो निफ्टी थी वो गिरी थी। तो अगर इस हैमर का उसको ब्रेकआउट दे दिया था इसने आज इंट्राडे के अंदर, तो गाइस इसने जिस तरीके से इंट्राडे के अंदर अपने हैमर का ब्रेकआउट दिया था, तो वो एक बुलिश साइन था निफ्टी के लिए और ऊपर हाई लेवल्स बनते हुए। तो अब ये हाई लेवल्स कहाँ तक जा दिखा सकता है, पहला टारगेट जो हम डिस्कस करेंगे वो पहला टारगेट जो हमारा होगा वो ये ब्रेकआउट होगा, ट्रेंड लाइन का क्रॉस ओवर। ट्रेंड लाइन का क्रॉस ओवर हुआ था, वो लेवल बनते हुए आ रहा है 11,000 का। हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो है 10,000 11,000 का टारगेट। गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि ये निफ्टी कितनी ऊपर तक जाएगा और हमें इसे कब बेचना है, हमारे लिए बेस्ट टाइम क्या है निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए। गाइज जो भी हम शॉर्ट करते हैं, सबसे ज्यादा जो लोग पैसा कमाते हैं वो शॉर्ट साइड में ही कमाते हैं, ज्यादातर लोग जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो शॉर्ट साइड में ही सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो हमें एक मेन चीज भी जाननी चाहिए, हमारा लास्ट फाइनल टारगेट क्या होना चाहिए जहां से हम शॉर्ट बनाएंगे तो हमें अच्छे खासे प्रॉफिट मिल सकते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि अगर हम प्रीवियस में जाएंगे निफ्टी के अंदर, जिस तरीके से उसमें गिरावट आई थी ये सब हुआ था, तो अगर हम बात करते हैं जो हमारा मेजर ट्रेंड है वो हमारा बुलिश है, पर जो हमारा इंटरमीडिएट ट्रेंड है वो हमारा नेगेटिव है। इंटरमीडिएट ट्रेंड नेगेटिव है तो हम जो पोजीशंस लेते हैं वो हमें इंटरमीडिएट ट्रेंड के हिसाब से लेनी चाहिए, पर जिस तरीके से हमारा जो नियर टर्म ट्रेंड दिखा रहे हैं, नियर टर्म ट्रेंड मतलब इंट्राडे ट्रेंड होता है, जो हमारा नियर टर्म ट्रेंड कह रहा है कि वो हमारा बुलिश है। तो गाइस इंटरमीडिएट ट्रेंड और मेजर ट्रेंड और नियर टर्म ट्रेंड जो बुलिश हमें दिखा रहा है, तो वो हमें यही सजेस्ट कर रहा है कि जो उसका टारगेट बनेगा वो बनेगा मेजर ट्रेंड का। तो गाइस अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो टारगेट आएगा फाइनल टारगेट वो आएगा हमारा जो उसका टॉप था, प्रीवियस टॉप। गाइस इसका प्रीवियस टॉप था 11,170 समथिंग का, वहां तक निफ्टी जरूर जाएगा, नीचे गिर के भी जाएगा पर यहां तक जरूर जाएगा निफ्टी। अब होगा क्या, बीच में आप सब जानते हैं इलेक्शन आने वाले हैं, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती कि बहुत तेजी से अभी मार्केट गिर जाए। आपने देखा था कि इतनी तेजी से मार्केट गिर रही थी, FII सेलिंग कर रहे हैं, पर सेलिंग किस तरीके से कर रहे हैं मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था, इलेट वेव पैटर्न बनते हुए आ रहे हैं। आपको FIIs के पूरे डाटा के बारे में समझाया था कि 2008 में उन लोगों ने मार्केट को स्टैंड करने की कोशिश करी थी, और 10 साल का उनका टाइम होरिजन होता है जब तक वो अपनी पोजीशंस को रखते हैं। उन्होंने 2008 से अपनी पोजीशंस को बनाना शुरू करा था, मार्केट में बाइंग लानी शुरू करी थी, जब रिसेशन आया था वहां से मार्केट में बाइंग लानी FIIs ने शुरू करी थी, और 2018 अब आ चुकी है जिसमें 10 साल FIIs को पूरे हो चुके हैं अपनी होल्डिंग्स को रखे हुए। तो वहां से आप देख सकते हैं जब भी आपको FII डाटा शो कर रहा होगा वो लोग बेच ही रहे हैं, तो वो बेच क्यों रहे हैं क्योंकि उनका जो टाइम होरिजन था, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि इनमें 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है उसके बाद हम अपना सामान बेच देते हैं। FIIs के लिए भी यही है, वो 10 साल के लिए रुकते हैं एक मार्केट में, फिर वहां से वो बेचना शुरू कर देते हैं। अब होगा ये 2018 आ चुकी है, FIIs अपना सारा डाटा बेची जा रही है, तो वो बेची जा रही है तो मार्केट जो है वो नीचे गिरी जा रही है। आप देख सकते हैं मार्केट को कोई एक ऐसा मौका चाहिए जहां से वो नीचे गिर सके, वो मौका बार बार वो किसी ना किसी तरीके से ढूंढ रही है, तो वो मौका मिल चुका है। गाइस अब आप देख सकते हैं मार्केट और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अभी नहीं चाह रही है कि मार्केट नीचे गिरे बहुत तेजी से, अगर मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर जाएगी तो गवर्नमेंट के लिए एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अभी जब तक इलेक्शंस हैं मार्केट अभी शायद ना गिरे, और मार्केट गिरने का बेस्ट टाइम कब है, वो मार्केट का गिरने का है जब वो अपना डबल टॉप बना लेगी जो कि 11,180 या 11,170 का है, जो भी इसका प्रीवियस टॉप था जहाँ से उसने गिरावट करी थी। मार्केट उस लेवल को टेस्ट करेगी, अपना डबल टॉप बनाएगी, डबल टॉप बनाने के बाद वो 1-1.5 साल तक उस लेवल को क्रॉस नहीं करेगी, और वहां से हमें जो लेवल्स आने को दिख लेंगे वो हमारा होगा इलेट वेव पैटर्न, जो कि वो कंप्लीट कर देगा। इलेट 5 जो उसका पैटर्न है वो उस लेवल को कंप्लीट कर देगा, 5th वेव को वो कंप्लीट कर देगा, और वहां से हमें एक करेक्शन आने में देख सकते हैं। और आने वाले के 10 साल के या 5 साल के अंदर मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ वो जो निफ्टी का लेवल होगा वो आपको 9,000 से नीचे शो करेगा। गाइज मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ क्योंकि जो मैंने प्रीवियस इलेट वेव्स पैटर्न्स को ऑब्जर्व करा है उसके बेसिस में मार्केट इस तरीके से रिएक्ट जरूर करती है, और अगर आप डाओ थ्योरी या पढ़ेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे। तो गाइज मैं आपको बता रहा हूँ ये डबल टॉप बन जाएगा
इलेट फिफ्थ वेव जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और वहां से मार्केट एक करेक्शन लेगा, और मार्केट जो करेक्शन लेगा तो इसका पहला टारगेट होगा वो सीधा 10,000 का टारगेट होगा, और 10,000 के टारगेट को वो जरूर टेस्ट करेगी आने वाले दिसंबर के अंदर अंदर तक। तो गाइज मैंने अपने प्रीवियस जो मेरे क्लाइंट्स हैं और मैंने शायद अपने यूट्यूब में भी किसी को बताया होगा आप एक वीडियो में, कि मैंने लोगों को 10,000 की पुट बाय करने की सलाह दी है दिसंबर सीरीज की। 120 रुपए में मैंने बाय करने की सलाह दी थी, अभी कुछ 90 अराउंड ट्रेड कर रहा होगा। तो मैं अभी भी यही सजेस्ट करूंगा आप होल्ड करिए, जब 11,200 का लेवल आ जाएगा तब वहां से आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनानी है। मैं आपको ये सलाह नहीं दे रहा, मैं आपको सलाह क्या दे रहा हूं, मैं आपको बोलूंगा मार्केट हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करेगी। जो बहुत से लोग, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर, जो बड़े बड़े एनालिस्ट होंगे, वो हमें यही सजेस्ट करेंगे कि मार्केट ने डबल टॉप बना दिया है, अब हमें मार्केट को यहाँ से शॉर्ट करना है। पर जब हम लोग शॉर्ट पोजीशंस बनाने लगेंगे, मार्केट एक स्पर्ट लेगी और इस लेवल को भी तोड़ देगी और ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी तो वो, जब और ऊपर जाएगी तो वो एक पैटर्न जो बनाएगी, वो पैटर्न बनाएगी अपना साइफर। साइफर पैटर्न का मतलब होता है वो हमें एक नेगेटिव या हमें एक फॉल्स सिग्नल देगी। फॉल सिग्नल का देने का मतलब ये होगा, जब हमें इस जो हमारा ये डबल टॉप बनेगा उसके ऊपर जब निकलेगा, बड़े बड़े एनालिस्ट सजेस्ट करेंगे इसने डबल टॉप को तोड़ दिया, सारे लोग अपनी बाइंग पोजीशन बनाओ, सारे लोग अपनी बाइंग पोजीशन बनाएंगे, मार्केट थोड़ी ऊपर जाएगी, फिर थोड़ी ऊपर जाएगी, और वहां से जब एक मार्केट सीधा करेक्शन लेगी तब सारे लोग फंस जाएंगे, सारे रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाएंगे, और वहां से हम लोग ट्रैप हो जाएंगे और लॉस बुक करेंगे। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा वो लेवल इस ब्रेकआउट को कराएगा कौन। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, FIs होते हैं, ये इस लेवल को ब्रेकआउट करवाते हैं। इस लेवल को ब्रेकआउट करवाने का मतलब यही होता है, जब इस लेवल का ब्रेकआउट कराते हैं, हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो बाय करने लग जाते हैं मार्केट में, और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो FIs होते हैं, वो पहले से ही बाय करके रखते हैं इस चीजें को। जो लोअर लेवल्स में उन लोगों को बाय करके रख लेते हैं, अब जैसे ही ब्रेकआउट होता है हम लोग मार्केट में घुसते हैं, प्राइस जंप करने लग जाते हैं, प्राइस जंप करने लग जाते हैं, उनको एक परफेक्ट टारगेट मिल जाता है जहां से वो अपना सारा माल बेच देते हैं और मार्केट गिर जाती है, और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं वो अपना लॉस बुक कर लेते हैं, और जितनी भी हमने कैपिटल लगाई होती है वो सारी कैपिटल जो म्यूचुअल फंड्स, बड़े इन्वेस्टर्स और FIs होते हैं उनके पास चली जाती है। तो गाइस इस फॉल्स ब्रेकआउट से हमें बचना है, तो वही मैं आपको इस वीडियो में अभी अभी सजेस्ट कर रहा हूं। अगर इस लेवल का भी ब्रेकआउट होता है तो हमें बाय पोजीशन नहीं बनानी है। इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो वहां से मार्केट ऊपर जाएगी, पर वहां पर जब इस लेवल को वो जरूर टेस्ट करेगी, अगर इस लेवल को टेस्ट करके मार्केट नीचे आती है तो आपको अपनी शॉर्ट पोजीशंस को बिल्ड कर देना है। 10,000 का दिसंबर का आप एक पुट बाय करके चल सकते हैं, जो आपको अच्छे खासे रिटर्न या 3 times का रिटर्न आराम से देकर चली जाएगी, और आप बहुत अच्छे रिटर्न्स पा लेंगे। गाइज मैं आपको अपनी थ्योरी के हिसाब से बता रहा हूँ, जो मुझे सजेस्ट कर रहा है, जो मुझे लग रहा है इस चार्ट्स के बेसिस में, अपने जो मैंने सीखा है अभी तक, जो मैंने मार्केट को देखा है अभी तक, उसके बेसिस में जो मुझे लग रहा है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं आपको RSI दिखाऊं, मैं आपको सिर्फ RSI के बेसिस में दिखाऊं, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 70-30 का RSI लगाया हुआ है। अगर आप देख सकते हैं प्रीवियस को भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ज्यादातर ये 70-72 के आसपास आता है, वहां से करेक्शन आ जाता है। तो गाइस अगर ये मार्केट अभी 63 के अराउंड RSI ट्रेड कर रहा है और ये अपनी ओवरबॉट सिचुएशन में जा रहा है, 70 तक जाएगा, वहां से अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके वो ट्रेड करेगा। ऊपर जाने का मतलब यही है, जब वो 70-71 तक पहुंच जाएगा वो अपना डबल टॉप बना चुका होगा, डबल टॉप बनाने के बाद RSI 70 की ऊपर ट्रेड करने लगेगा, वो हमारे लिए एक फॉल्स सिग्नल होगा जो हमें इंडिकेट करेगा कि हमें बाय करना है, पर हमें बाय नहीं करना है, वहां पर हमें वेट करना है मार्केट का एक फॉल आने के लिए। जब फॉल आएगा तब हमें मार्केट को बाय सेल करना है, और जो हमारा टारगेट बनेगा RSI के, अगर मैं आपको रिलेटेड बताऊं तो 70 से हमें 30 तक जाने में जो हमारा टारगेट बनेगा निफ्टी के अंदर, वो सीधा बनेगा 10-11,000 से लेकर 10,000 तक का। गाइज ये जो हमारा टारगेट बनेगा बहुत इजीली हमें टारगेट अचीव हो जाएगा। तो मैंने आपको जो बताया है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी तरीके से आपको मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी है। सिर्फ मैंने आपके लिए 3 trend lines बनाई थी, इसी 3 trend lines से आपको आज मार्केट में बाय पोजीशन भी पता चल गई होगी, कि आपको आज मार्केट में 10,900 में बाय करना था, 11,000 का टारगेट था, 10,950 में हम निकल गए थे, जो इसका प्रीवियस ये बना हुआ था हाई जो बना हुआ था यहाँ पर हम निकल गए थे। तो क्या ये सारी चीजें आपको सिर्फ ये 3 trend line ही सजेस्ट कर देती है, आपको और कुछ नहीं करना। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये मैंने ट्रेंड लाइन कैसे बनाई है, आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि ये मैंने क्या बनाया था, क्या मैंने आपको समझाया है। कोई भी आपके लिए इस पर्टिकुलर इस चीज में डाउट आएगा तो आप मेरे से क्लैरिफाई कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई करने की बहुत कोशिश करूंगा। और जितने ज्यादा डाउट्स आएंगे, सिमिलर डाउट्स आएंगे, हमें पता चलेगा कि आप लोग मेरे पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, मेरे जो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं,
और गाइस मैंने आपको वादा करा था कि मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊंगा, पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वीडियोस अपलोड करने में लिए पर्टिकुलर, क्योंकि मैं आपके साथ वीडियो शो कर दूं पर वो वीडियोस में आपको मैं कुछ ऐसा नहीं बता पाऊंगा जो अगर आप मेरे पास होते तो मैं आपको देख कर बता पाता। गाइस जब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ ना, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे पास होते ना तो मैं आपको इजीली सिखा पाता, क्योंकि मैं आपको फेस टू फेस दिखा पाता कि ये मार्केट में ट्रेंड चल रहा है या ये होने वाला है। वीडियोस में आपके साथ मैं लेकर आऊंगा जो मैं 11 बजे के बाद मैं जो आपको बताना चाहूंगा, मैं जो कॉल्स देता हूँ मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उन लोगों को प्रीमियम सर्विस की कॉल्स देता हूँ या सिंपल सर्विस की कॉल्स देता हूँ, उसमें जो मैं लोगों को स्टॉक सजेस्ट करता हूँ वो 9:20 से 9:40 के बीच में सजेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद वहीं पर ही उनका टारगेट या स्टॉप लॉस 1 या 2 घंटे में अचीव हो जाते हैं। 11 बजे के बाद मैं किसी को भी टारगेट नहीं देता, किसी को भी स्टॉक सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि 11 बजे के बाद जो मार्केट के चार्ट्स हैं, जो ये आपके कैंडल्स शो कर रही है, ये 11 बजे के बाद बनना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद हम ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। तो गाइस 11 बजे के बाद किसी को भी ट्रेड करना होगा इंट्राडे के अंदर 5-6 पॉइंट्स के लिए, वो स्ट्रैटेजी मैं लेकर आ रहा हूँ जो मैं यूज करता हूँ, जो प्रोफेशनली मैं यूज करता हूँ, वो सारी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप खुद ट्रेड करने बैठे 11 बजे के बाद भी तो आप इजीली ट्रेड कर पाएंगे, और वो एक प्रोफेशनल ट्रेड है, प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ लेकर आने वाला हूँ। तो गाइस वो स्ट्रैटेजी देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, जो बहुत से पैटर्न्स हैं, बटरफ्लाई पैटर्न है, बहुत से पैटर्न्स हैं, वो सब पैटर्न्स मैं आपके साथ इजीली शेयर करते रहूंगा, जो भी मुझे लगेगा आपके साथ शेयर करने के लिए, समझने के लिए, वो मैं आपके साथ मार्केट में शेयर करूंगा। और अब जो मैं आपके लिए एक लेकर आने वाला हूँ वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इंट्राडे में 11 बजे के बाद स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना जाता है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी एक ऐप को डाउनलोड करना है जिससे आप मार्केट की न्यूज को इजीली समझ पाएंगे और मार्केट की न्यूज को समझ के मार्केट के हिसाब से ट्रेड ले पाएंगे। तो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। सबसे ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स में या अपने रिलेटिव फ्रेंड्स के थ्रू, कि वो लोग भी समझ पाए मार्केट में पैसा कमाना कोई आसान मुश्किल बात नहीं है, आसानी से एक दिमाग लगा के एक स्ट्रैटेजी फॉलो करके भी हम मार्केट में इजीली पैसा कमाया जा सकता है। और अगर आप गाइस आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आप मेरे के प्रीमियम सर्विस या मेरे सिंपल सर्विस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ही मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं उसमें आपको डिस्कस कर दूंगा, आपकी हेल्प कर दूंगा कि क्या आपके लिए सूटेबल है, क्या आपके लिए सूटेबल नहीं है। और जो भी मेरी परफॉर्मेंसेस है वो मैं इंस्टाग्राम में शेयर करते रहता हूँ, इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं दे दूंगा आपको, वरना आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पर आपको परफॉर्मेंस सेंड कर दूंगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर दे दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए और नई इंटरेस्टिंग वीडियोज बनाने के।